मुझे पता है आज बरसात हो गई, खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बरसात हो गई किसानों की भी जरूरत थी बरसात की। अगर कार्यक्रम हम लोग रख दिए हम लोगों के आने से बरसात हो गई, हम तो इससे अच्छा कुछ नहीं समझते हैं। किसान परेशान था बरसात से तो बरसात हो गई, ठीक है, हम लोग डिस्टर्ब हुए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, वोट हम सब लोग दिए हैं, दिए भी दिए हैं वोट दिए। अब यहाँ जितने लोग आए हैं आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, हाथ उठाओ जो लोग बिजली के बिल से परेशान हो। परेशान क्या करता, परेशान क्या करता, योगी और मोदी। वोट पहले का नतीजा था कि बिजली का बिल 4 गुना बढ़ गया। आप सोच लो दिल्ली में, दिल्ली एक स्टेट का प्रदेश है, दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपया में मिलती है। 201 यूनिट बिजली दिल्ली में 70 रुपया में मिलती है और उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2300 रुपया में मिलती है। बताओ धोखा है कि नहीं धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग का बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, गरीबन का सीलिंग से पुल खींचा थोड़ा सा आगे देखा। हम चाहते इन सबके घरे घर ले जाके डब्बा लगो ले, डब्बा मैंने मीटर लगा हमें मीटर। हम चाहते कि सब लोग अगर तैयार हुआ तो एकदम मीटर सड़क में ला के गंगा जी में गिरा कर हो जाए लोग का शांत काम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है हमको, आपको 2022 में सरकार बना दो, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ कर दिया जाएगा, चिंता नहीं करना। अब बताओ कितना जने बिजली का बिल माफ कर दिया छात्र। लेकिन अब सोच रहा अभी हमने भैया बताओ तो ना कहने कि दारू पिए ये 15 दिन, मुर्गा के ये 15 दिन, 1000-2000 हुए 15 दिन में देव गए हैं, बहुत कोई तो कोई के शादी पाट गए हैं। हमरे और यहाँ बाटा ना नकली छाता नकली पायल कहीं कहीं बाटा ना सर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब सोचा 5 साल आपका बिजली का बिल अगर माफ होगा तब 5 साल में 60 महीना होगा, 1 साल में 12 महीना, अब 5 साल में 60 महीना। अगर 2000 रुपया बिजली का बिल तो हम माफ हो गए, 1,20,000 रुपया माफ हुई एक एक करेगा 1,20,000। आई दाम कितना पिए हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया, 1,000 2,000 खर्चा करेगा, 3,000 एक परिवार पर। साथियों आपने अपनी लड़ाई शुरू करो, हम दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके दिखाऊंगा। देखो बिजली का बिल तो माफ होने चाहिए, मिल चाहिए। अब आगे चला और भी आएगा भाजपा के दिया। आप बताओ कितना लोग महंगाई से परेशान है। अब देखा मोदी जी हमने के समझावत रहा, योगी जी भाजपा का कुल नेता का समझावत रहा, आए देश के गरीबों तू लोग का पूरा दिन चला था, अब हमारे संगे हमारी सरकार बना दो और तू लोग का अच्छा दिन आ जाए। तो हम मनोज चौधरी की सही है कहा था पूरा दिन बाद चला अच्छा दिन ले लो, अब हम लोग अच्छा दिन ले लो मोदी जी खेल गई ली। अब जब पूरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर लोग भरवा ले तो 400 रुपया में, अब तक अच्छा दिन आ गया, अब तक 51,300 में भरा जा कोई मतलब यह 1,000 लगभग हो गया। अब आगे देखा जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा पूरा दिन में, अब अच्छा दिन में आके 200 हो गया बोल रहे। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहा
सवा सौ हो गई। अब आगे देखा जवन पेट्रोल 60 रुपये लीटर रहा और 100 पार हो गल रहा, और जवन डीजल 55 रुपये लीटर रहा और 3-4 बाकी और 70 लगा बन। अब इधर का तरफ से मोदी जी अब कैसे भगावत तुरंत सीरीज लगा के तुम लोग का पुल जोड़ देगा डेली उपयोग की चीज 1000 रुपया मोदी जी ले तुमन, योगी जी मिला के 1000 ले तुमन, हमने के महंगाई से 1000 रुपया तुमन दे कितना हमर 5 किलो गेहूं बटता है फ्री में कौन तो फ्री में देता ही। अरे भाजपा के नेताओं फ्री में नहीं, 1000 गरीबों का लूट रहे हो, 135 रुपए का झोरा अब 65 रुपया का गेहूं 200 रुपया तुम दे रहे हो, अपनी फोटो लगा के 800 रुपया गरीबों का तुम लूट रहे हो, 800 रुपया लूट रहे हो, नहीं मत हो आओ मेरे सामने चलो, चाहे दिल्ली चाहे लखनऊ चाहे कलकत्ता चाहे बम्बई जहां जहां हमारा डिबेट कर लो महंगाई पर, हार जाऊंगा तो तेरी गुलामी करूंगा तुम हार जाना, तेरी अब पिछड़न के बोली आवत तुम्हें ये बावत का टाइम आ गया। हम पूछा था ही मोदी जी बहुत ईमानदार ने कहा हमन ने कहले बाबा 15-15 लाख दे खाता खोलवाना कैसे लूटा तुम्हें ये लोग योजना खाता खोलवाना 15-15 लाख आई। उत्तर प्रदेश में 7,29,00,000 खाता खुलन उत्तर प्रदेश में और 7,29,00,000 खाता खुलल। जे सोचलस कि अब पैसवा कैसे निकली तब पासबुक बनवावे चले गए, जब बैंक पर पासबुक बनवावे गए तब 500 रुपया बैंक वाला ले लेले 500 ले ले ना ले 500 ले लिया पासबुक का 7,29,00,000 500 को गुणा कर दा 364,50,00,000 रुपया गरीबों तेरा मोदी लूट लिया और चिल्लाकर करने खाता खोलवा दिया। ये लूटने का तरीका इस नाते हम आपसे कह रहे हैं अपनी खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाना और कानून एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम जो किताब प्राइवेट स्कूल में है वही किताब वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए 22 में सरकार बनाना। एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाली बैग कलम फ्री में, फ्री में पढ़ाई। एकरे बाद भी जेकर लड़का लड़की पढ़ा न जाई ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून उत्तर प्रदेश में बना है। बोला ये कानून बना के चाहिए कि नहीं बना के चाहिए, इतना लोग चाहते हो कि कानून बने के चाहिए, कानून बने के चाहिए। अब आगे देखा आगे हम लोग का चाहते हैं, हम देखा जहां से विधायक है गाजीपुर जिला का विधानसभा चौका, हम जहां से विधायक है 6,12,00,000 रुपया अब तक हम गरीबों के इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए दे चुके हैं 6,12,00,000 हम दे चुके। आपको लोग वोट दे के विधायक बनाओ हुआ, ये विधायक लोग रुपया काहे नहीं दिया हो तुम्हें। हमने जब घूम करके देखा अब हमने तय किया है कि 22 में सरकार बनाओ और कानून बना दिया जाए, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो बीमार होता है इलाज कराना ऑपरेशन कराना जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। गरीबों का इलाज अगर कोई गरीब ईश्वर न करे कोई बीमार हो पहली बार अगर बीमार होता है तो गरीबों का इलाज फ्री में सरकारी पैसे से कराने के लिए
2022 में हम लोग सरकार बनाने के लिए हम लोग घूम रहे। अभी आपको लगेगा इटावा के लोगों को कि कैसे सरकार बना लेंगे। हम जिस धरती पे पैदा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, आप चले जाओ, नहीं जाओ, टीवी देखो, अखबार देखो, आज उत्तर प्रदेश की सियासत ओम प्रकाश राठौर के इर्द गिर्द घूम रही है। ये हालत है। अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं बेचारे कि छोटे छोटे दलों से, भाजपा अलग चिल्ला रही है, सपा कांग्रेस अलग चिल्ला रही, बसपा अलग अंदर सुलग रही। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की मैया को वोट दिया। पूर्वांचल में भाजपा सोचे 150 सीट इतिहारी में पहुंच जाए, यही इनके बड़े बहुत पूर्वांचल में खाता खुलने वाला इनका लोग कहना जिला में भाजपा ले चली तो है। सहारनपुर मंडल मेरठ मुरादाबाद किसान लेके डंडा खड़ा, बोला किसान डंडा लेके खड़ा हो कि ना खड़ा। आप लोग के किसान भाई आ देखा कि किसानों का धन दुगना करा थोड़े बेचारे भाजपा सब 50 किलो का जो डाई यूरिया का बोरिया रहा कितना करन पहले 50 किलो का, अब का कहीं इतना बारीकी से बुद्धि लगा वाला भटकैया सब 5 किलो कम कह देना। अब यूरिया 45 किलो का बोरिया, डाई 45 किलो पे आ गई, जो हम 5 किलो कम कर लें दामों बढ़ा कर। अब पतों की नई नई किसान का धन दुगना हो, यह दुगना हो तो और क्या कह लें। हम तो जा कर रही बुंदेलखंड तो अंदा पशु धन मिल कर रहे, अगर जो नहीं लड़का हुए का बचंगा घूमा तो मसल जब उधर जाए तो उधर झांसी बुंदेलखंड बांदा चित्रकूट हमीरपुर ललितपुर उसी इलाके में मिलते थे। आप अब तक किसानन का धन दुगना मानो पर जाने बचरगा घुमा तुमन योगी जी मोदी जी वाला तो धन दुगना करत हो ना करत तुमन बोलत जा इहो लुगत तुमन। और भारतीय जनता पार्टी कहा तो कि सबका साथ सबका विकास, 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन योगी जी ने लूट लिया नहीं दिया। हजार कई हजार बच्चे लखनऊ धरना दे रहे, स्वतंत्र देव पटेल के जात हूं तो लाख का खून, केशव मौर्या के जात हूं तो लाख का खून, योगी जी के जात हूं तो भूल दिया ऐसा लुटा का। अब पिछड़े समाज का नेता अपना घुस के तमाशा देकर यही बदे ओम प्रकाश राजभर बहुत मन कि सदन के अंदर जब मैं पिछड़ों के छात्रवृत्ति के सवाल पे शुल्क पूर्ति के सवाल पे आवाज उठा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे थे। आज किस मुंह से तुम वोट मांगने आए हो, जवाब देगा इन हनुमान जिसको छात्रवृत्ति नहीं दूं दिए, वो जवाब देने के लिए अपनी लाठी में भी लगा के इंतजार कराया हो गाँव में आओ गाँव में, वो भी परेशान हो गया। छात्रवृत्ति के सहारे बहुत से बच्चे पढ़ लेते, बहुत से बच्चे शुल्क पूर्ति के सहारे शिक्षा हासिल कर लेते थे, लेकिन यहाँ का बात लूट रेल मैं अनुसूचित जनजाति के सबको छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग को सबको छात्रवृत्ति, अब पिछड़ी जाति के 20 लाख बच्चे 12 लाख के तो मिल गए 8 लाख के न मिल, इसी का विरोध ओम प्रकाश राजभर करता है। और बार बार कहता हूं ये देश में हमने है तो हम हनु के हिस्सा मिलेंगे क्या ही बोला चाहिए क्या। अभी प्रेसिडेंट की बात करना दुर्भाग्य है कि हम आए तो इधर ले